होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा नमकीन। बहुत ही हेल्दी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। हम केवल इसको बनाएंगे 2 चम्मच तेल में। जो हम घर में चीज़ बनाते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है, तो हमें मालूम है कि ये कितनी हेल्दी बनेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इस पोहा नमकीन को कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पोहा, जिसे फ्लैटेंड राइस भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको चिवड़ा भी कहते हैं। तो पतला वाला चिवड़ा हो या मोटा चिवड़ा हो, कोई भी चलेगा इसमें नमकीन के लिए। तो हमने एक बार जब हमारा पैन गर्म हो गया तो लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 5 मिनट के लिए भुना है। तो काफ़ी क्रिस्पी हो गया है, ये ड्राई रोस्ट किया है। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। और एक छोटी मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तो ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली। तो 1/2 कप मैंने मूंगफली ली है, कच्ची है ये, वजन में 100 ग्राम है। तो हम मूंगफली को भून लेंगे, लो फ्लेम पर भूनना आप। तो मूंगफली हमारी भून चुकी है, इसमें 2-3 मिनट लगेंगे आपको। तो मूंगफली को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। एक बर्तन में निकाल कर इसको हम एक साइड रख देंगे मूंगफली को। अब उसी तेल में मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा और डाली है 4 हरी मिर्च बारीक काट कर। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। हरी मिर्च जब हमारी हल्की सी भुन जाएगी उसके बाद डालेंगे हम हल्दी। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें कटे हुए बादाम। तो 20 पीस मैंने लिए हैं और उनको बीच में से मैंने चीर लिया है। और 20 ही मैंने काजू लिए हैं, काजू को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब दोनों को हम हल्का भून लेंगे ताकि इनकी नमी चली जाए, और भूनने से इनमें खाने में स्वाद भी लगता है। और 7-8 मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूं 2 बड़े चम्मच किशमिश। ये छोटी वाली किशमिश है। और 3 बड़े चम्मच हम डालेंगे नारियल का पाउडर। नारियल के पाउडर की जगह आप जो नारियल आता है साबुत, उसको भी काट कर डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नारियल का पाउडर डाला है। तो नारियल के पाउडर से भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो दोनों में से जो चीज़ हो आप डाल सकते हैं। अब हमने जो पोहा भुना था उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। और गैस को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। पैन रखकर गैस ऑन कर दी है, फ्लेम बिल्कुल लो है। अब मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी। तो खट्टी मीठी नमकीन बनेगी हमारी ये। और ये डाला है मैंने 50 ग्राम चना दाल। चना दाल नमकीन है, वही डालिए। इसको आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। और जो भुनी हुई मूंगफली थी वो हमने डाल दी है। चना दाल आपकी मन हो तभी आप डालिएगा, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, घर में बनाई हुई बहुत ही हेल्दी नमकीन हमारी बनकर तैयार है। इसको आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर रूम टेम्परेचर पर कम से कम 1 मंथ इसको आप चला सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा ऑयल भी यूज़ नहीं हुआ है जिसमें कि स्मेल आए। घर का ऑयल है, साफ़ सुथरा ऑयल है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा।